मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड आर बोहर्स मॉडल. सो आप बच्चे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, रदरफोर्ड्स मॉडल, बोहर्स मॉडल कर चुके हैं. एंड इन द मीन टाइम आप वेव नेचर एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कर चुके हैं. हुन इस चैप्टर दी क्लोजिंग च ज्यादा लेक्चर्स नहीं लगनगे अपन. कुछ बस चीजा बची हैं, दैट विल बी डन. जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो विद इन दीज टू लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएगा. उस तो बाद एक लास्ट टॉपिक होएगा, उसको खत्म करके विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. आज जो अपन एक टॉपिक कवर करना है, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एक श्योर शॉट क्वेश्चन वाला टॉपिक है, विच इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो बच्चे देखो, ये दो चीजा तो बनया हुआ है. मतलब पहला वर्ड की टर्मिनोलॉजी को समझो. फोटो, जिथे भी वर्ड फोटो आ गया इन साइंस, इट स्टैंड फॉर लाइट. सो फोटो स्टैंड फॉर लाइट. फोटो स्टैंड फॉर लाइट एंड ऑफकोर्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक, दे ऑल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन्स. सो लाइट एंड इलेक्ट्रॉन. सो बच्चे बेसिकली की चीज है. सो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, जो कि आप बच्चे वैसे भी पढ़ रहे हैं, जिसनों आप कहने हैं कि आयनाइजेशन या कुछ और, है ना. जिस मैं सुनू समझाता पहला, फिर सुनू एक क्लियर होएगा. सो बेसिकली की है, देखो, लेट इट बी अपने पास एक मेटल सरफेस है. सो लेट इट बी दिस इज अ मेटल. हम देखो बच्चे, मेटल दी ओरिजिनल डेफिनेशन की होंगी है. आप एक्चुअल च मेटल नू की कहने होंगे हैं कि मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which have excess of electrons and which can lose electrons. मतलब electropositive elements जिन्ना को electrons excess चुनते ने, तो electrons lose करके एक stable noble gas configuration attain कर लेंगे यार. Like for example, मेरे पास sodium है. Sodium की electronic configuration is 2.8.1. मैं सुनो पहला भी दस चुके आए हैं. So ये stable कितना होएगा? एक electron lose करके एक ही बन जाएगा 2.8. तो इस प्रोसेस च आप इसनों कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते होंगे, जिसनों आप कहने हैं आयनाइजेशन एनर्जी. सो ये आप पहला भी डिस्कस कर चुके, ठीक है ना. इसका इलेक्ट्रॉन बाहर कढ़ने लई आपां थोड़ी जी एनर्जी देनी पएगी, नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी. वो आयनाइजेशन एनर्जी बच्चे बहुत ज्यादा नहीं होगी. क्यों? क्योंकि बीइंग अ मेटल की खुद की टेंडेंसी भी है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देवे. सो इसलिए आप थोड़ी जी एनर्जी देवे और ये अपना एक्सेस इलेक्ट्रॉन की कर देगा लूज. Now, हुन अपने पास एक मेटल सरफेस है. कुछ मेटल्स जेडे कि बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल्स है, पूरे पीरियोडिक टेबल सब तो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स जेडे ने, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि जेडे कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने लिए सब तो ज्यादा रेडी है, दे आर पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम. ये तीन इलेक्ट्रॉन्स. So these are the strongest electropositive elements, most electropositive. यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन, देखो बच्चे मेटल्स की डेफिनेशन की है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करन. सो स्ट्रोंगेस्ट मेटल्स केड़े होंगे? जिहड़े कि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी इजिली लूज करेंगे. जिहड़े सब तो ज्यादा इजिली लूज करेंगे, वो सब तो स्ट्रोंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि स्ट्रोंगेस्ट मेटल्स होंगे अकॉर्डिंग टू साइंस. तो वह कहड़ा होंगे? सीजियम, रुबीडियम इस तो थोड़ा जा घट, पोटेशियम इस तो घट, बट पूरे पीरियोडिक टेबल च ये तीन मेटल्स ने जेडे कि आर वेरी 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 स्ट्रोंगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. हुन इन्हां दी आयनाइजेशन एनर्जी की होएगी? बहुत ज्यादा घट. क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की है कि इन्हां दे इलेक्ट्रॉन नूं बाहर कढ़न लई किन्नी एनर्जी देनी पएगी. सो जिन्ना मेटल स्ट्रोंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होएगा, वो इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज करेगा. जो ईजिली लूज करेगा तो उसनूं एनर्जी देने की जरूरत ही की है. सो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी घट होएगी, वो मेटल उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होएगा, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होएगा. सो इन्हां दी आयनाइजेशन एनर्जी की होंगी है बहुत 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 घट, ठीक है ना. हुन आप अपने टॉपिक पे आने हैं कि इवले मेटल्स इन्ने ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि जिहड़ी नॉर्मल विजिबल लाइट होंगी है उहदे विच भी इन्नी एनर्जी होंगी है कि उहदे इलेक्ट्रॉन्स नूं रिमूव कर सके. यू गेटिंग अ पॉइंट? मेरी गल समझो. देखो हम ए नहीं है ना कि अगर आप सनलाइट दे विच या विजिबल लाइट दे विच आयरन नु रख दांगे तो आयरन दे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं है. ए वाले जिहड़े मेटल्स ने इन्ने स्ट्रोंगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है
कि इन्हां नूं अगर तुसी लाइट दे विच भी रख दो तां इन्हां दे इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे एंड दिस इज कॉल्ड फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब की है देखो कि जिहड़े इदां दे स्ट्रोंगली इलैक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स हुंदे आ किहड़े किहड़े पोटैशियम रुबीडियम सीजियम ते कुछ हद तक सोडियम भी इन्हां दे उपर जदों लाइट गिरदी है तां इन्हां दे इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं सरफेस तो इजेक्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एक सिंपल फंडा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। गेटिंग अ पॉइंट। सो बेसिकली मैं इसमें एक सिंपल वे भी कह सकता है कि जो आप जी आयनाइजेशन एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट देने क्योंकि लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी तो उस फंडे आप कह देने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन की है। सो देखो डेफिनेशन इज the phenomenon of ejection of electrons from the metal surface when a light of suitable frequency ya energy, suitable frequency energy to ki bhav hai uste main aaunga, when a light of suitable frequency energy falls upon it is known as photoelectric effect. I repeat, the phenomenon of ejection of electrons from the surface of a metal when a light of suitable frequency falls upon it is known as photoelectric effect. हुण उह सूटेबल फ्रीकुएंसी या एनर्जी का मतलब की है। नाउ लेट इट बी इन्हां मेटल्स दी जिहड़ी आयनाइजेशन एनर्जी है कोई भी मेटल वो हैगी है लेट इट बी 400 जूल्स। वैसे इतनी नहीं होंदी जस्ट आप एक इमेजिन कर रहे हैं। सो दिस इज लेट इट बी 400 जूल्स एज दी आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स अगर मैं इस दे इलेक्ट्रॉन नूं इस दे सरफेस चो बाहर कढ़ना तां मैनूं किन्नी एनर्जी देनी पएगी मिनिमम 400 जूल्स। इस एनर्जी को आप कहने हैं दो टर्म्स दिने हैं आप इसको याद रखनी है या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर आप इसको कहने हैं वर्क पोटेंशियल। दोनों सेम टर्म्स है बच्चे। वर्क पोटेंशियल का सिंबल होता है डब्ल्यू, थ्रेशोल्ड एनर्जी का सिंबल होता है ई ऊपर जीरो ई नॉट आप ई नॉट बोल देने हैं। लेट इट बी ए इस दी हैगी है 400 जूल्स। हुण तुसी जिहड़ी उपरो लाइट भेज रहे हो बच्चे लेट इट बी ओ 300 जूल्स है तां हुण उसदा इलेक्ट्रॉन बाहर कढ़ने लई एनर्जी किन्नी चाहीदी है 400 जूल्स। तुसी देख नहीं रहे हो 300 जूल्स तां इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। ये गड़ेगा पॉइंट जिहड़ी घट्टो घट एनर्जी इलेक्ट्रॉन नूं सरफेस चो बाहर कढ़ने लई चाहीदी है वह 400 जूल्स है जबकि तुसी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो 300 जूल्स जिहड़ी कि 400 जूल्स तो घट है। सो उसका इलेक्ट्रॉन सरफेस चो बाहर नहीं निकलेगा यानी कि आपको मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए 400। सो नो 400 जूल्स देनी ही पड़ेगी। दैट इज वाई अपनी डेफिनेशन दे विच की है व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी या एनर्जी फॉल्स अपॉन इट। ठीक है ना। सो हुन अगला पॉइंट अगर मैं इसको एग्जैक्टली 400 जूल्स दे दवा तो जेड़ा है इलेक्ट्रॉन है बस इस मेटल चो बाहर निकल जाएगा डन जस्ट बाहर निकलेगा। हुन अगर मैं इसनु 400 तो ज्यादा ले रहा लेट इट बी 500 जूल्स तो मेरे को कितनी एनर्जी फालतू है 100 जूल्स। तो बच्चे हुन देखो एनर्जी वी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हुन देनी तुसी आ 500 जूल्स एनर्जी दिती है इसदे विचों 400 तां यूज होगी उसनु फ्री करन लई जिहड़ी बाकी दी 100 है वो इलेक्ट्रॉन नू इलेक्ट्रॉन दी कैनेटिक एनर्जी च कन्वर्ट हो जाएगी। सो कैनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 100 जूल्स। सो दैट फालतू दी एनर्जी दैट एक्सेस एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ कैनेटिक एनर्जी तो उन्हों इलेक्ट्रॉन बड़ी हाई स्पीड नाल बाहर निकलेगा क्योंकि कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला की होता है हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ सो इसका मेरे को नेट फॉर्मूला की होया सो इस एनर्जी में आप ई लेके चलते हैं इसको आप ई नॉट या डब्ल्यू लेके चलते हैं और इसको आप कहने हैं काइनेटिक एनर्जी। सो मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला बनया ई इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो जी एनर्जी मैं फोटॉन्स तो मिल रही है लाइट तो मिल रही है वो दिस प्लस दिस के बराबर है या मैं इसको डब्ल्यू भी लिख सकता है और
I can write it as E is equal to W plus kinetic energy. अगर मैं फ्रीक्वेंसी भी फॉर्म से लिखना हो गए तो ई द फॉर्मूला के अंदर बचे एच इन टू फ्रीक्वेंसी एच इन टू न्यू या एच सी बाय लैम्डा. सो एच इन टू न्यू इज इक्वल टू ई नॉट की जगह पे मैं लिख दूंगा एच इन टू न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. सो न्यू नॉट की अर्थ है जिन्हें थ्रेशोल्ड एनर्जी सी ए इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है यानी कि मिनिमम किन्नी फ्रीक्वेंसी चाहिए अपन इलेक्ट्रॉन बाहर कढ़ने लई ते ए होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स या लाइट जेडी ओदे ऊपर गिर रही है. सो बच्चे दिस इज द थ्योरेटिकल एज वेल एज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो अगेन आई रिपीट कि द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ मेटल व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स अपॉन इट is known as photoelectric effect. Fine. अगर जेडी एनर्जी ऊपर गिर रही है वो E है तो उसका वर्क पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड एनर्जी इज W या E नॉट तो E is equal to E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. Fine. So this is about photoelectric effect. Now we shall study some important points about photoelectric effect. So देखो बच्चे the first point says there is no time lag between the striking of light and ejection of electrons. इसका मतलब क्या है कि light दे आंच ते electron दे बाहर निकलने कोई time lag नहीं होता. मतलब क्या है इसका? So देखो इसका मतलब is कि suppose जिम्मे आपने लिया कि metal दी जो threshold energy है work potential है that is 400 joules. अगर तो बच्चे जो लाइट इस दे ऊपर गिर रही है उसकी एनर्जी 400 जूल्स तो कट है फिर तो देखो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा. ठीक है ना. बट अगर इट इज ग्रेटर देन 400 सो अगर एनर्जी इज ग्रेटर देन 400 जूल्स तो जब ही लाइट इस दे ऊपर आएगी इलेक्ट्रॉन उधर ही बाहर निकल जाएगा. देयर विल बी नो टाइम गैप between the striking of light and the ejection of electrons. ये नहीं है कि light हो ना रही है and after some time electrons बाहर निकल रहे हैं. नहीं, जितनी देर तक एवली एनर्जी इस तो कट है इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा एंड जितनी तुसी एनर्जी इस दे बराबर या इस तो ज्यादा प्रोवाइड करती तो इलेक्ट्रॉन नाल दी नाल बाहर जाऊगा. दिस इज वॉट यू मीन बाय कि देर इज नो टाइम लैग between the striking of light and the ejection of electrons. The electrons are ejected from the metal surface as soon as the light ray falls upon it. Condition ki hai, it should have the energy minimally equal to the threshold energy. Second point bache, kinetic energy of the ejected electron. So jeda electron bahar nikal raha hai वो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोज इलेक्ट्रॉन नु फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोल देने हैं. ये सारे पॉइंट्स मेरे नोट्स में मेंशनड है तुसी डिटेल च उठो पढ़ लियो एक बार इथों शॉर्ट नोट्स बना लो. सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जेडी काइनेटिक एनर्जी बाहर निकल रहे हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन जेड़ा उसकी जेडी काइनेटिक एनर्जी है that is directly proportional to इस light की frequency. देखो तो understandable है ना बच्चे की understandable है कि जिन्नी अगली energy ज्यादा होगी उन्नी kinetic energy ज्यादा होगी क्योंकि आधा amount fix है. देखो अगर suppose तुसी आहा वाली energy 500 ले लोगे तो kinetic energy कितनी होगी? हाँ जी kinetic energy कितनी होगी? 500 minus 400 100. So kinetic energy will be equal to 100. ठीक है तुसी इसनो इंक्रीज करके करता 600 तो एब्जॉर्ब तो बच्चे हुन भी फ्री करन लई तो किन्नी एब्जॉर्ब होएगी 400 हुन काइनेटिक एनर्जी किन्नी होएगी 200 अगर ये 700 हुंदी तां 300 800 हुंदी तां 400 यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट लाइट दी फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी. जिन्नी उसनु ज्यादा फ्रीक्वेंसी एनर्जी नाल भेजोगे तुसी ओनी ही काइनेटिक एनर्जी भी की होएगी बच्चे ज्यादा.
Getting a point? Now, the next point is, number of electrons ejected are directly proportional to the intensity of the light. Now, let's see the answer. Let's point the point. First of all, the sun is going to change that. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुनो ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है इंटेंसिटी इज कि किन्ने इलेक्ट्रॉन्स सॉरी किन्निया लाइट रेज इकट्ठिया आके मेटल सरफेस के ऊपर गिर रही हैं यू गेटिंग अ पॉइंट इंटेंसिटी इज कि हाउ मच ब्राइट इज योर लाइट कि किन्निया लाइट रेज आके गिर रही हैं फॉर एग्जाम्पल देखो लेट इट बी इस दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज 400 ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇਸ 1600 ਜੂਲਸ ਹੁਣ ਇਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੇ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2000 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2000 ਮਾਈਨਸ 400 ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 1600 ਸੋ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਸ 2000 એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੋਟੋਨਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ 2000 ਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਚਾਰ ਫੋਟੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ 500 500 500 ਐਂਡ 500 ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਰੇਜ਼ ਭੇਜਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 555 2000 ਤੇ 1600 ਜਾਊਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 100 100 100 ਐਂਡ 100 ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਜੈਕਟ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗੇਨ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਜੈਕਟ ਹੋਣੇ ਆ ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ अगेन मैं दस दवा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड नॉट अपॉन इट्स इंटेंसिटी काइनेटिक सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंड नॉट अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी सो दिस इज ऑल अबाउट द थियरी अराउंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन बच्चे आप इसने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करांगे सो कुछ क्वेश्चंस मैं सिर्फ सॉल्व करवावांगा कुछ क्वेश्चंस तुसी असाइनमेंट जो खुद सॉल्व करने हैं एंड अगेन प्लीज रिमेंबर कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस दे नीड पेशेंस इजी होते हैं द ओनली प्रॉब्लम इज कि दे आर वेरी 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 लेंथी सो दे नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस ऑन योर साइड बस आराम नाल पेशेंटली पेन चक के बच्चे नु सॉल्व करते रहिए हो क्वेश्चंस आर वेरी 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 इजी द ओनली प्रॉब्लम इज कि कैलकुलेशंस आर वेरी लेंथी इसी करके एक दो क्वेश्चन सुनो मैं थे खुद सॉल्व करवाऊंगा एंड देन यू विल हैव टू सॉल्व फ्रॉम योर असाइनमेंट सो बच्चे हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर वन इन योर इन क्लास क्वेश्चंस अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4×10^-7 meters स्ट्राइक्स ऑन द मेटल सर्फेस द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन kinetic energy of emitted electrons and the velocity of the photoelectron. So, dekho bache, ek main sanu apni taraf to recommend karda ki jadon bhi photoelectric effect da question aana hai, edda ek rough diagram zarur bana liya karo, taaki apan nu pata chal jaye ki kis cheez di gal ho rahi hai. Dekho, hun isde upar apan likhange, a photon of wavelength. So, photon matlab jo light aa rahi hai. So, usdi wavelength kinni hai? 4×10^-7 meters. So, upon a photon, the wavelength literally strikes on the metal surface, the work function of the metal being 2.13 electron volts. So, is the work function hai, threshold frequency, 2.13
इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. नाउ कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन. सो इसकी एनर्जी कढ़नी है अपने, वेवलेंथ गिवन है, तो आप फॉर्मूला लगावांगे E इज इक्वल टू एक्स सी बाई लैमडा, और एनर्जी आ जाएगी. द कनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन, जी एनर्जी आ गई इस चो माइनस करांगे कनेटिक एनर्जी आ जाएगी. द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो जी कनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करांगे उसके ऊपर फॉर्मूला लगावांगे हाफ एम बी स्क्वायर, उतों बी कैलकुलेट करांगे. मैं सब कैलकुलेट करवाना है. सो देखो आपां नूं गिवन की कुछ है बच्चे, आपां नूं गिवन है लैमडा इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁷ मीटर्स. पहला मैं इस तो एनर्जी फाइंड आउट कर लें इंसिडेंट रे दी, इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. सो अपना फर्स्ट स्टेप है. सो एच दी वैल्यू अपने पास हैगी है 6.62 × 10⁻³⁴. सी दी वैल्यू बचे 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. वेवलेंथ इज 4 × 10⁻⁷ मीटर्स. सो पहले आप पावर्स सॉल्व कर लेंगे. -34 ते 8 कट के अपने को आ गया 10⁻²⁶. फिर 7 नो आप ऊपर ले गए बच्चे, तो ए सॉल्व करके आ गया 10⁻⁹. हुन मैं एवियां वैल्यू सॉल्व करांगा, 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, 19, सो 19.86/4 × 10⁻⁹, सो 4 × 4 = 16, 3 × 8 = 4, 9 = 36, 2 × 6 = 24 × 10⁻⁹ जूल्स. सो बच्चे जी इंसिडेंट रे की एनर्जी है वो आपने कैलकुलेट कर ली 4 × 4.96 × 10⁻⁹ जूल्स. डन. हुन जो वर्क पोटेंशियल है, हुन अपना सेकंड स्टेप की है, इन दोनों दे यूनिट सेम करने हैं, या तो इसनू जूल्स कन्वर्ट कर लो या इसनू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. आप उस जूल्स करांगे, द रीजन बीइंग कि अगर आपने वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है उदो अपन फिर जूल्स करना पड़ेगा. सो वर्क पोटेंशियल इज इक्वल टू, हम अपना सेकंड स्टेप, वर्क पोटेंशियल इज इक्वल टू 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. दिस इज इक्वल टू 2.13 × 1.602 × 10⁻⁹. सो बच्चे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻⁴, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 × 10⁻⁹ जूल्स. सो मैं उस नाल मल्टीप्लाई करता, इसको मल्टीप्लाई अपा मैं फटाफट यूजिंग अ कैलकुलेटर कर लेना है. सो दिस कम्स 3.41. सो 3.41 × 10⁻⁹ जूल्स. सो वर्क पोटेंशियल अपने फाइंड आउट कर लिया इन जूल्स. सो पहला तो नोट करो, देखो इंसिडेंट रे की एनर्जी वर्क पोटेंशियल नालों ज्यादा है, सो लाइट तो बाहर, सो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेगा. नाउ वी मूव ऑन टू आवर थर्ड पार्ट. हुन कैनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सो अपने को फॉर्मूला की होंगे बच्चे, E इज इक्वल टू W प्लस कैनेटिक एनर्जी. सो कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस W. सो E कितनी है बच्चे अपने को? 4.96 × 10⁻⁹ माइनस 3.41 × 10⁻⁹. मैं 10⁻⁹ कॉमन कर लेना है. सो 4.96 माइनस 3.41 इंटू 10⁻⁹. सो मेरे को काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट होगी कितनी? 1.55 × 10⁻⁹ जूल्स. सो अपन एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर ली. सो अपन काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर ली बच्चे, जो वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन दी होगी.
हुन अपन उन्होंने क्वेश्चन की पूछे है कि उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी दसो कितनी होगी। सो हुन अपन लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं। सो देखो बच्चे वैसे तो क्या सी क्वेश्चंस आर नॉट टफ, द ओनली प्रॉब्लम इज कि कैलकुलेशंस बहुत लेंथी हो जाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया। सो देखो नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला की होंगे बच्चे हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मैं कितनी फाइंड आउट कर ली, 1.55 × 10⁻¹⁹ जूल्स इज इक्वल टू हाफ इंटू। हुन बच्चे पहला इतने अपन पुट करना पड़ेगा मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम्स। सो अपने की किया सी याद होएगा इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर अपने किया सी की 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम्स ते −31 kgs। इतने अपन केजी पुट करांगे क्योंकि ऐसा यूनिट्स है। सो गिर किलोग्राम्स इंटू वी स्क्वायर। सो आप इसको सॉल्व करते हैं, इन इधर लेके जाने हैं 2 5s are 10 11 2। सो 2.10 × 10⁻¹⁹ अपॉन 9.1 × 10⁻³⁹ इज इक्वल टू वी स्क्वायर। फाइन। सो ये जरा आप फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। So this becomes V square is equal to 0.23 × 10⁻¹⁹। ये बच्चे ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। So 12 meters दे विच मीटर्स पर सेकेंड आंसर आएगा इनफैक्ट। सो V square की वैल्यू आ गई। सो V इज इक्वल टू आप कह सकते हैं 23 × 10⁻¹⁹। मैंने इधर लिख लेना है पॉइंट्स नू, मैं इधर ले गया ताकि अपन अंडर रूट करना इजी हो जाए। सो 23 × 10⁻¹⁹ द अंडर रूट। सो बच्चे 10⁻¹⁹ द अंडर रूट कितना हो जाएगा, 10⁻¹⁵ × सो 4 द स्क्वायर कितना होता है 16 एंड 5 द स्क्वायर कितना होता है 25। सो 4 एंड 5 के बीच आंसर आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू तुसी कैलकुलेट कर लियो बट मैं एक बार सुनो अप्रोक्सीमेट दस देना कि दिस विल बी समवेयर अराउंड 4.8 × 10⁻¹⁵ सो एनी वेलोसिटी दे नाल जो इलेक्ट्रॉन है वो बच्चे इजेक्ट होएगा। सो देखो ओनली द कैलकुलेशंस आर टफ, फॉर्मूला बिल्कुल सिद्धम सिद्धा ठीक है ना। सो बिल्कुल पेशेंस रखते हुए कैलकुलेशंस नु सॉल्व करना है। And moreover, it is a sure shot question for your plus one exams, theory exams. And the other question. So, I will solve a question more so that I can attempt properly attempt karna aaj ve. So, come on to question number 2 in your in-class questions. So, bache, the question says, the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted from a metal is 2.03 × 10⁻¹⁹ when a light that has 656 nanometer wavelength shines on the surface, calculate the threshold frequency for this metal. So, बच्चे इतने अपन incident ray की wavelength दी है, kinetic energy दी है, हम अपन इतने threshold frequency पूछी है। सो देखो तीन वेरिएबल्स है अपने को, तीनों में से एक चीज पूछी होगी। पिछले क्वेश्चन च kinetic energy की गल हो रही थी, इतने threshold energy की गल हो रही है। सो देखो की कह रहे हैं, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ मेटल इज 2.03। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चे, 2.03 × 10⁻¹⁹ जूल्स व्हेन अ लाइट दैट हैज 656 नैनोमीटर वेवलेंथ। सो बच्चे कितनी वेवलेंथ दी लाइट ऊपर आ रही है, 656 नैनोमीटर्स। डिटरमिन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सो आ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तुसी कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज द डाटा जो अपन नु गिवन है। सो अगेन आप सब तो पहला अपनी इंसिडेंट रे दी एनर्जी कैलकुलेट करांगे। सो फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। सो एच इज
6.62 into 10 raised is minus 34. C is 3 into 10 raised is 8. Lambda 656. So nanometers to given up as to meters to convert karlangi 10 raised is minus 9. So again, अब पहला पावर सॉल्व कर लेने हैं. 10 रेज इज माइनस 34, 8 कट के आ गया, 10 रेज इज माइनस 26, 9 नो अपा ऊपर लगे बच्चे, इट बिकम्स 10 रेज इज माइनस 17. सो दिस रिमेन्स 6.62 इंटू 3 अपॉन 656 इंटू 10 रेज इज माइनस 17 जूल्स. इसनो अपा सॉल्व कर लेने हैं यूजिंग अ कैलकुलेटर. सो जस्ट टू सेव आर टाइम, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਐਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗੇਨ ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਦ ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਸ ਆਰ ਬੀਂਗ ਅਲਾਊਡ ਇਨ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਮੇਕ ਅ ਹੈਬਿਟ ਟੂ ਸੋਲਵ ਇਟ ਬਾਈ ਹੈਂਡ. ਸੋ 6.62 ਇੰਟੂ 3 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 656. So this becomes 0.0302 into 10 raised is minus 17 joules. Isnu bache main points nu itho tak le aana hai. So 3.02 into 10 raised is minus 19 joules. I can also write it as 3 into 10 raised is minus 19 joules. So mere paas bache energy calculate hogi. Hun विल कम ऑन टू द सेकेंड स्टेप, जिथे मैं पहला थ्रेश होल्ड एनर्जी फाइंड आउट करांगा, तो मैं फॉर्मूला की लगाऊंगा. सेकेंड स्टेप, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस कैनेटिक एनर्जी. ए गिवन है, सॉरी ए आपने कैलकुलेट कर ली, कैनेटिक एनर्जी गिवन है. इसमें आप फाइंड आउट करांगे बाय यूजिंग ई नॉट इज इक्वल टू ई माइनस कैनेटिक एनर्जी. सो ई आपने कितनी कैलकुलेट की है बच्चे, 3.02. So 3.02 into 10 raised is minus 19 minus kinetic energy is 2.03 into 10 raised is minus 19. So again last question di tarah apa 10 raised is minus 19 common kar lenge bache. So 3.02 into 10 raised is 3.02 minus 2.03 into 10 raised is minus 19 common. So, अगर मैं 3 जो 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेरे को आंसर आ रहे हैं 1. सो 0.99. सो दिस इज 0.99 इंटू 10 रेज इज माइनस 19 जूल्स. सो बच्चे अपने पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी कैलकुलेट होगी. हुन आप उन्होंने की पूछा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो now we come to the last part of our question. E naught is equal to h into nu naught. Frequency or energy the formula ki hai, E is equal to h into nu. So nu naught ki the barabar ho gaya, E naught upon h. So my value put ki thi, E naught the value is 0.99 into 10 raised is minus 19 upon 6.62 into 10 raised is minus 34. मैं इसमें क्या लिख लेना है, 9.9 into 10 raised is minus 20. Fine. So मैं 10 नाल मल्टीप्लाई भी करता हूं, 10 नाल डिवाइड भी करता. So मेरे को इसनु सॉल्व करके आ गया. So frequency is 10 raised is minus, 10 raised is 14 into, so 9.9 upon 6.6. So this is 1.5 exact. So 1.5 into 10 raises 14 hertz is our threshold frequency. So getting a point. So this is how to solve the questions of photoelectric effect. Fine. So, इस क्वेश्चन दे विच, देखो पिछले क्वेश्चन दे विच आपां नूं वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पुछिया सी, इत्थे आपां नूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पुछिया. सो अपने कोल तीन ही वेरिएबल्स है, इंसीडेंट लाइट,
थ्रेशोल्ड या वर्क पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, तिना विचों बच्चे एक चीज ही आपां नूं पूछी होएगी, ठीक है ना, ते वो आपां ने फाइंड आउट करनी है। सो दीज क्वेश्चंस अगेन आई रिपीट आर ईजी बट लेंथी, सो इसनूं जरा पेशेंस नाल हौली हौली सॉल्व करते रहो, द आंसर कम्स एंड शो शॉर्ट कम्स। सो बच्चे नाउ हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। When a certain metal was irradiated with a light of frequency 3.2 into 10 raises 16 hertz per seconds, the photoelectrons emitted had twice the kinetic energy as did the photoelectrons emitted when the same metal was irradiated with a light of frequency 2 into 10 raises 16 hertz. Calculate the threshold frequency for the metal. देखो बच्चे हुन क्वेश्चन दे विच की मेंशनड है कि सपोज अपने पास एक मेटल सरफेस है सो देखो क्वेश्चन च की कह रहे ने कि जो तुसी उसनू इरेडिएट किया विद अ फ्रीक्वेंसी 3.2 × 10⁻⁶ तो जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी सी इट वॉज ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी जो तुसी उसी मेटल नू इरेडिएट किया विद फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻⁶। सो यानी कि जो फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻⁶ सी तो जिहड़े इलेक्ट्रॉन्स निकले उन्हां दी काइनेटिक एनर्जी अगर के ई सी तो आह वाली काइनेटिक एनर्जी डबल सी 2 × काइनेटिक एनर्जी। यू गेटिंग पॉइंट? So, समझ आया बच्चे जिन्नी भी कैनेटिक एनर्जी इस टाइम सी उस तो यह डबल सी, ठीक है ना। नाउ उन्होंने कह रहे हैं कि कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द मेटल, सो तुसी न्यू नॉट दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बच्चे अपन दो इक्वेशंस बनावांगे। देखो अपना फॉर्मूला की होता है, E इज इक्वल टू E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, सो H into nu is equal to H into nu naught plus kinetic energy. So, pehla, let it be this is first case and this is second case. So, first case de according, H into nu. Nu kitna hai bache? 3.2 into 10 raised is 16 is equal to H into nu naught. H into न्यू नॉट प्लस सॉरी हां जी सो प्लस 2 × काइनेटिक एनर्जी डन। इथों अपने न्यू नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हुन सेकंड केस ते आ जाओ, अपने कोल एच इंटू न्यू कितना बचे 2 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट। यह तो सेम ही होगा क्योंकि जितनी देर तक मेटल सेम है उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी तो सेम ही होगी, प्लस इस टाइम काइनेटिक एनर्जी कितनी है के। सो बच्चे अपने कोल एना ए सीन बन गया। सो हुण देखो इस दो इक्वेशंस नू सॉल्व करके अपन ने न्यू नॉट दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। सो बेसिकली अपन किवें फाइंड आउट कर सकते हैं इसनू, पहला इस इक्वेशन नू तुम नाल मल्टीप्लाई कर दियो, ठीक है ना। इस इक्वेशन नू देखो, सो आप कितना सॉल्व करांगे, मैं जस्ट सोनू हिंट दे रहा, मैं सॉल्व तुसी खुद कर लियो। सो देखो बच्चे हाउ टू सॉल्व इट, मल्टीप्लाइंग टू बाय टू। सो इक्वेशन नंबर टू नू मैं दो नाल मल्टीप्लाई करता ताकि मैं काइनेटिक एनर्जी नू स्ट्राइक ऑफ कर सका। सो देखो इसनू मैं 2 नाल मल्टीप्लाई करता तो मेरे को की बन गया H इंटू 4 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू 2 × H × nu naught प्लस 2 × काइनेटिक एनर्जी। ते आ गई मेरे को, ते पहला वाली इक्वेशन की है मेरे को H इंटू 3.2 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू H इंटू न्यू नॉट प्लस 2 × काइनेटिक एनर्जी।
सो हूं मैं ऊपर वाली इक्वेशन जो नीचे वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा माइनस, सो ये कट गया बच्चे, 2 into h into nu naught कितना आ जाएगा, 2 into h into nu naught माइनस h into nu naught बिकम्स h into nu naught, सो दो जो एक माइनस करता एक रह गया, उन इधरों में h का कॉमन आ जाएगा, 4 into minus 3.2 सो दिस बिकम्स 0.8 into 10 raised to 16 into h, सो इसको सॉल्व करके मेरे को लेना आ गया, सो दोनों तरफ तो मैं h काटता, सो न्यू नॉट दी वैल्यू मेरे को लागी 0.8 into 10 raised to 16 इज इक्वल टू 10 into 10 raised to 15 हर्ट्ज, सो दिस इज आर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो कई बार इतना इनडायरेक्टली अपन क्वेश्चन सॉल्व करने पे जाते हैं, बट अगेन द क्वेश्चन आर इजी, अपन डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है एंड आंसर सॉल्व करना है, सो दीज आर द क्वेश्चन फॉर टूडे। सो अज अपन ने सिर्फ एक टॉपिक कवर किया बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो सी अज इसकी असाइनमेंट कंप्लीट कर लेनी है, ते बाय टुमारो अपना न्यूमेरिकल पोर्शन आई होप कि खत्म हो जाएगा, एंड देन दिस चैप्टर विल वाइंड अप वेरी सून, हार्डली 3 or 4 मोर लेक्चर्स। सो अज तुसी बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चंगी तरह रिवाइज करके इस चंगी तरह कर लो, बिकॉज इट इज अ नियरली शोर शॉर्ट क्वेश्चन फॉर थ्योरी एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। सो दिस इज ऑल फॉर टूडे, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक्स एंड टेक केयर।